Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफा जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी क्विक सिंपल रेसिपी बटर गार्लिक चिकन। बहुत ही मजेदार झटपट बन जाती है घर के हाजिर मसालों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज। चलिए ये है आधा किलो चिकन, बोनलेस है। थाई पोर्शन मैंने लिया है, आप चाहे तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। मैंने इसके चर्बी निकाल ली और ऐसे मीडियम साइज पीसेस किए, आप छोटे भी कर सकते हैं। और इसको दो तीन पानी से धो के नितारने के लिए छन्नी के ऊपर 10-15 मिनट साइड पर रख दिया था। अब एक प्याले में डाल दीजिए और आधा छोटा छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए, आधा छोटा छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और आधा छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करने के लिए ढककर फ्रिज के अंदर रख दीजिए आधे घंटे के लिए। ढककर बाहर रख दीजिए अगर क्लाइमेट बेटर हो तो। मैं इसे ढककर फ्रिज में रख रही हूँ मैरिनेट करने के लिए। आधे घंटे के बाद मैदा लीजिए, सादा मैदा ही है, और ये जो चिकन के पीसेस है ये डालें, अच्छे से वेल कोट करें। आगे पीछे बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, हाँ ये मैदा बस अच्छे से वेल कोट करना है। आप 3-4 एट अ टाइम भी डाल सकते हैं, तो मैं भी 3-4 एट अ टाइम करके अच्छे से मिक्स करके इसे वेल कोट करके प्लेट के ऊपर साइड पर रखती जा रही हूँ। और बैचेस में इसी तरीके से आप सारों को वेल कोट कर लीजिए। अब एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और जब अच्छा गर्म हो जाए तेल मीडियम आंच करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे जो चिकन के पीसेस हैं ये डालते जाएं। अब मेरी जो तवा है वो पूरा बड़ा है, आप देख सकते हैं, तो मैं सारे एक साथ डाल रही हूँ। अगर आपका छोटा तवा हो तो बैचेस में फ्राई कीजिएगा, एकदम एक साथ सारे मत डाल दीजिएगा। देखिए कितनी स्पेस आप देख सकते हैं बीच में, ऐसा डालिएगा। अगर आपका तवा छोटा हो तो दो बैचेस में फ्राई कर लीजिए। अब इसे तकरीबन मीडियम आंच पर 2 मिनट तक पकने दीजिए। जब 2 मिनट हो जाए तो सारों को पलट दीजिए और पीछे का साइड भी 2 मिनट पकने दीजिए। तो टोटल तकरीबन ना 6-7 मिनट आप उलट पलट करते हुए इन्हें पका लीजिए, सो दैट हमारी जो चिकन है तकरीबन 80% से 90% तक पक जाएगी। जब आप देखें कि 6-7 मिनट हो गए हैं और सुनहरी कलर आ गया है दोनों ओर से, तो इन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिएगा। अच्छा, मैंने क्या किया है मालूम है, जब 6 मिनट हो गए ना तो जो छोटे छोटे पीसेस थे ना और जो अच्छे हल्के सुनहरी गोल्डन दोनों बाजू से दोनों ओर से हो गए तो मैंने उन्हें निकाल लिया, लेकिन जो थोड़े से बड़े रह गए थे मुझसे तो मैंने 2-3 मिनट स्लो आंच करके उन्हें फ्राई किया है। तो आप भी बड़े रह जाएं तो ऐसे कर सकते हैं। जब आप सारे फ्राई कर लें तो ढक कर रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कड़क ना हो जाए ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास हलाल चिकन क्यूब है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाता है ये तो। और इसे मैं क्या कर रही हूँ, प्याले में डालकर इस पर 1 कप पानी डाल दीजिए और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, और मिक्स हो जाए तो साइड पर रख दीजिए। अब अगर आपको ये नहीं करना है तो आपके पास अगर 1 कप जितना चिकन का स्टॉक ऑलरेडी है तो आप फिर ये वाला स्टेप मत कीजिएगा। चलिए इसे साइड पर रख दीजिए। अब आप सेम कढ़ाई ले सकते हैं, वही जिसमें फ्राई किया था, मैं अलग से सेपरेट कढ़ाई ले रही हूँ। उसके अंदर 50 से 60 ग्राम के दरमियान मैंने 55 ग्राम बटर यानी कि मक्खन मस्का लिया है। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, हल्का सा बटर मेल्ट होने लगे चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और 1.5 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर इसे 1 मिनट तक बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। जब 1 मिनट हो जाए तो डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच मैदा और 3 या 2 टेबलस्पून जितना हरी प्याज की पत्ती की जो वो पत्तियाँ आती है ना वो बारीक कटी हुई डाल दीजिए। मैं मेरे हिसाब से लमसम डाल रही हूँ। इसे एक बार चला लीजिए। अच्छा, वो जो चिकन स्टॉक आपके पास साइड पर रखा है वो डाल दीजिए, या फिर मेरी तरह अगर आपने वो जो जुगाड़ू चिकन स्टॉक बनाया है वो डाल दीजिए इसके अंदर, और चूल्हे को कर दीजिए फास्ट आँच और उसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। देखिए बढ़िया सा उबाल आ चुका है जैसे आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं डाल देती हूँ आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, आप चाहें तो ऑरेगानो हर्ब वाला भी डाल सकते हैं। और ये जो चिकन पीसेस सारे हैं ये डाल देती हूँ। एक बार चला लीजिए इसे और इसे हल्का सा एक उबाल आ जाने दीजिए चिकन के साथ भी। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके ढक कर 4 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दीजिए, सो दैट हमारी जो बाकी की 10-15% जो चिकन बची हुई है वो भी पक जाएगी।
चलिए 4 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हैं जो बाकी का बचा हुआ हमारा थोड़ा बहुत भी गला हुआ नहीं था ना हमारी चिकन, वो गल चुकी है। अच्छा यहाँ पर मैं ना चूल्हे को कर देती हूँ बंद। आप चाहें तो इसे फास्ट आंच करके सुखा भी सकते हैं, क्योंकि है ना जब हम इस समय मैं चूल्हे को करूँगी ना बंद, तो क्या होगा कि थोड़ा सा ठंडा होता है ना, तो ये जो ग्रेवी आपको लग रही है थोड़ी वाटरी, वो थोड़ी सी सूख जाती है। इसके लिए मैंने चूल्हे को कर दिया बंद और आधा छोटा चक्का चम्मच मैंने यहाँ डाल दिया नींबू का रस। चला लेती हूँ एक बार। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियंस बारीक कटा हुआ डाल दीजिए और चख लीजिए। अच्छा मुझे हल्का सा मैं और 1/4 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ और इसे मैंने मिक्स कर लिया। और आप देख सकते हैं अभी बातें करते करते में ही कितनी एकदम सूख गया हमारा इसका पानी। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है, आप चाहें तो उसी समय फास्ट आंच करके सुखा सकते हैं, पर मैंने नहीं सुखाया है क्योंकि बाद में लेटर ऑन होके थोड़ा सा भी चूल्हा बंद करते हो और 2-3 मिनट होती है तो वो खुद ब खुद थोड़ी सी सूख जाती है हमारी जो चिकन है वो। चलिए अब इसे गर्मा गर्म एक प्याले या प्लेट में निकालें और ये बन गया हमारा बढ़िया सा मज़ेदार सा बटर गार्लिक चिकन, सर्व होने के लिए रेडी है। स्पाइस ये वाली रेसिपी में ज़्यादा रहती नहीं है और काली मिर्ची का ही स्पाइस है और जो लहसुन से मिल रहा है वही स्पाइस होता है। अच्छा आपने देखा मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि जो क्यूब रहता है चिकन क्यूब और जो मक्खन रहता है दोनों में नमक रहता है, लेकिन अगर आप चिकन स्टॉक डाल रहे हो तो नमक आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा एंड में। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।